हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट मिलती रहें। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का अपना ही वीडियो। तो ये वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 30। तो चलिए देखते हैं अपना ये पहला क्वेश्चन। एल्बिडो इज द फर्स्ट फ्रैक्शन ऑफ सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ बैक इनटू द स्पेस। अरेंज द फॉलोइंग सरफेस इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ एल्बिडो इंडेक्स। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एल्बिडो होता है, एल्बिडो का मतलब होता है वो सारे ऑब्जेक्ट जो कि लाइट कलर के होते हैं, मतलब हल्के कलर रंग के होते हैं, जिनसे हमारा जो सूर्य से किरणें आती हैं तो वो कुछ किरणें जो कि ओजोन से निकल जाती हैं तो ये उसके बाद धरती पे आके कुछ इन सब चीज़ों से रिफ्लेक्ट बैक बहुत तेज़ी से होती हैं, यानी किरणें वापस बहुत तेज़ी से जाती है। तो आपको बताना है कि इसको अरेंज करना है कि सबसे मतलब छोटे असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े पे। तो पहला है ग्रासलैंड, दूसरा है डेजर्ट सैंड, तीसरा है डेसिडियस फॉरेस्ट और चौथा है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो इसका सही आंसर है बी 2, 1, 3 एंड 4। मतलब कि पहले है डेजर्ट, फिर है ग्रासलैंड, फिर है डेसिडियस फॉरेस्ट और तब आता है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर आइडियल कंडीशन फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन। यानी कि कौन सा आइडियल कंडीशन है, मतलब फेवरेबल कंडीशन है टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए। तो पहला है लॉन्ग नाइट्स, दूसरा है क्लियर स्काइज, तीसरा है अनस्टेबल एयर। टेम्परेचर इन्वर्जन होता है यानी कि जो जहाँ लो टेम्परेचर होता है तो जो लो टेम्परेचर रहता है वो हाई टेम्परेचर को रिप्लेस कर देता है, तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। यानी लो टेम्परेचर लाइंग बिलो दी हाई टेम्परेचर, यानी जो ठंडे वाला जो टेम्परेचर होता है वो गर्म टेम्परेचर के नीचे होता है। तो इसका सही आंसर है सी 1 एंड 2, यानी कि लॉन्ग नाइट्स और क्लियर स्काइज। अनस्टेबल एयर से टेम्परेचर इन्वर्जन का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है आपको बताना है इनमें से। तो इसका सही आंसर है बी इंडियाज ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट इज लॉन्गर देन द नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट। यानी कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ईस्ट से वेस्ट है वो 2933 किलोमीटर है और वहीं जो वेस्ट से नॉर्थ से साउथ है वो 3200 से प्लस किलोमीटर में काउंट होता है। नॉर्थ से साउथ एक्सटेंट है कश्मीर से कन्याकुमारी तक और वहीं जो ईस्ट से वेस्ट है वो अरुणाचल प्रदेश से कच्छ रीजन तक का है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइड्स आर यूज़फुल बिकॉज। टाइड्स यूज़फुल होते हैं यानी कि उनका बहुत ज़्यादा लाभ होता है, क्यों होता है आपको बताना है। पहला है दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द पोर्ट एंड द ओपन सी, यानी कि लिंक की तरह काम करते हैं पोर्ट और ओपन सी के बीच में। दूसरा है दे एक्ट एज अ सोर्स फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इनसे हम बिजली भी उत्पादन करते हैं। तीसरा है दे फास्टन द प्रोसेस ऑफ डेल्टा फॉर्मेशन, ये डेल्टा फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसको ये तेज़ी से करता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, मतलब कि आर यूजफुल फॉर द टाइड्स है। तो इसका सही आंसर है सी 1 एंड 2, यानी कि ये लिंक की तरह काम करता है पोर्ट और ओपन सी के बीच में और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं जिसको हम टाइडल एनर्जी बोलते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एंथ्रोपोजेनिक सोर्स फॉर ऑफ पॉल्यूशन। एंथ्रोपोजेनिक सोर्स मतलब मानव द्वारा, तो मानव द्वारा पॉल्यूशन किस तरह से होता है आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा है जो मानव द्वारा पॉल्यूशन फैलाता है। पहला है कैटल डंग केक्स यानी कि गोबर, दूसरा है पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम फ्लावर, तीसरा है इंटरनल कंबस्टिंग इंजन और चौथा है वेजिटेबल ऑयल्स। तो इसका सही आंसर है सी 1, 3 एंड 4। एंथ्रोपोजेनिक यानी कि जो मैन मेड यानी कि जो मानव द्वारा पॉल्यूशन होते हैं वो है जैसे कि पावर स्टेशन से होता है, क्रूड ऑयल या फिर उसने यूज़ करते हैं तो उससे CO2 निकलता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है।
दूसरा है फर्नेस, जो हम भट्टी इस्तेमाल करते हैं, फर्नेस मतलब होता है भट्टी, तो भट्टी में क्या जलता है, कोल या फिर ऐसी भी कोई वुडन या लकड़ी की चीज़ें जलती हैं जिससे धुआं निकलता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तीसरा है स्टीम इंजन, आपको पता ही होगा इसमें भी वेपर की वजह से भी वेपर क्या है, पॉल्यूशन एजेंट है, पॉल्यूटिंग एजेंट है। तीसरा है पेस्टिसाइड और चौथा है सीवर्स यानी कि हमारे नाले। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मैन मेड यानी कि मानव द्वारा निर्मित पॉल्यूशन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिजल्ट ऑफ द मिस मैच बिटवीन द जॉब्स अवेलेबल एंड द स्किल्स लेवल्स ऑफ द अनएम्प्लॉयड। आपको बताना है इनमें से कौन सा मिसमैच करता है, मतलब कितने जॉब्स अवेलेबल हैं और हमारे पास कितना स्किल है, तो इन बीच के इन दोनों का मिसमैच इनमें से कौन करता है आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है डी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एक कैटेगरी है अनएम्प्लॉयमेंट का जो कि मिसमैच क्रिएट करता है। इसमें इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिलती हैं क्योंकि उनके पास हो सकता है कि जो जॉब जो अवेलेबल है उसके लिए उनके पास रिक्विजिट नॉलेज यानी कि उसके लिए ज़रूरी जानकारी उनके पास नहीं है। इट इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है लॉन्ग लास्टिंग है क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसमैच होता है कई बार कि जॉब अवेलेबल है पर आपके पास वो स्किल नहीं है। फिर कभी कभी होता है कि जैसे आपके पास स्किल है पर आपके स्किल जो आपके स्किल है उस स्किल पे बेस्ड कोई जॉब नहीं है, तो इसलिए सबसे लंबा ये अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी दर में मिसमैच यही सबसे ज़्यादा लाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकॉनमी विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। इंडियन इकॉनमी के टर्म में कौन सा सबसे ज़्यादा बढ़िया डिफाइन करता है किसको, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को। तो इसका सही आंसर है बी लो ग्रोथ रेट ऑफ द इकॉनमी बिफोर 1991 यानी 1991 से पहले जो हमारा ग्रोथ था वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ था। देखते हैं एनुअल ग्रोथ रेट था जो इकॉनमी का बिफोर 1991 उसको हिंदू रेट बोलते हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोलते थे। जो स्टैंडर्ड ग्रोथ था वो 3.5 था 1950 से 1980 के बीच में और पर कैपिटा जो इनकम था वो एवरेज 1.3% था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। इनमें से बताना है कौन सा हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है। तो उसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ दी अबव। हाई रेट जो अर्थ ऑर्बिट होता है वो जियोसेंट्रिक ऑर्बिट होता है, मतलब कि जो अर्थ का जो सेंटर ऑर्बिट होता है उसमें जो छोड़े जाते हैं सैटेलाइट उनको जियोसेंट्रिक ऑर्बिट बोलते हैं। और इसका जो ऑल्टीट्यूड यानी जो इसकी हाइट होती है वो 35,786 किलोमीटर यानी कि 35,786 किलोमीटर होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स। जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं उनके पेयर्स आपको बताना है कौन सा सही मैच है और कौन सा गलत। तुलाई पंजी राइस वेस्ट बंगाल, पोचम पल्ली कैट तेलंगाना, शेषनाग शाल यह मिजोरम और दुर्गी स्टोन कार्विंग यह कर्नाटका का। तो आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सा मैच द फॉलोइंग सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ए 1 और 2 यानी कि पहले दोनों सही हैं। जो तुलाई पंजी राइस है वो वेस्ट बंगाल का है और दूसरा पोचमपल्ली कैट है वो तेलंगाना का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद द ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है बी द कॉन्केस्ट ऑफ बंगाल बाय द ब्रिटिश। ब्लैक होल ट्रेजेडी कुछ नहीं हुआ था, जब बंगाल पर अंग्रेजों ने हमला किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, तो उसमें क्या किया था जो वहाँ के राजा थे सुजाउद्दौला, उन्होंने 123 लगभग सैनिकों को अंग्रेजी सैनिकों को एक कमरे में बंद कर दिया था जिनकी दम घुटने से मौत हो गई, तो उसी को ब्लैक होल ट्रेजेडी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का क्वेश्चन ख़त्म होता है, पर जाने से पहले हम आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का जो कि टेस्ट
नंबर 29 में हमने पूछा था आपसे, उसका हम आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऑफ द डे पिछला, एजेंडा 2063, ये हाल ही में आप लोगों ने न्यूज़ में सुना था, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट थे। तो इसका सही आंसर है बी, अफ्रीका। जो एजेंडा 2063 है ये अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। तो इसी के साथ हम आज का यानी कि जिस टेस्ट पेपर 30 का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इफ़ इट इज़ सेड दैट इंडियाज SDR होल्डिंग इज लोअर देन जापान्स इन द IMF, इट इम्प्लाइज़, यानी कि जो इंडिया का SDR है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, वो अगर लोअर देन जापान्स है IMF में, यानी कि जापान से भी कम है उसका स्पेशल ड्राइंग राइट्स, तो उसके मतलब क्या होता है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स होती हैं कि जैसे हर कंट्री अपनी अपनी करेंसी वहाँ IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में जमा कराती हैं, तो वहाँ से ज़रूरत पड़ने पे वो दूसरे कंट्री की करेंसी, उतनी करेंसी जितनी कि उन्होंने अपनी जमा कराई है, उतना वो विड्रॉ यानी कि निकाल सकती हैं। तो ये होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो इसके संदर्भ में बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला है ए, जापान्स मेंबरशिप फी इज़ हायर देन इंडियाज। बी, इंडियाज एक्सटर्नल सेक्टर इज़ परफॉर्मिंग बिलो देन जापान्स एक्सटर्नल सेक्टर। सी, जापान हैज़ मोर फॉरेन करेंसी असर्ट विद इट देन इंडिया। और चौथा है डी, इंडियाज गोल्ड रिजर्व इज़ स्मॉलर देन जापान्स रिजर्व एट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।